भारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अक्षय प्रताप। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब एक नए विवाद में फंसती दिख रही है। आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ हाथापाई की गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल के ऑफिस ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। चीफ सेक्रेटरी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर थप्पड़ मारने और अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक ये सब कुछ सीएम की मौजूदगी में हुआ। इस मामले पर आपने एक बयान जारी कर कहा, दिल्ली के 2.5 लाख परिवारों का आधार राशन कार्ड से जुड़ा न होने की वजह से उन्हें राशन नहीं मिल पाया है। इस कारण उन क्षेत्र के विधायकों पर लोगों का काफी दबाव है। इसी पर सीएम के आवास पर विधायकों की बैठक थी। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो विधायकों और सीएम के प्रति नहीं बल्कि उपराज्यपाल के प्रति जवाबदेह हैं। आपने आरोप लगाया कि उल्टे चीफ सेक्रेटरी ने कुछ विधायकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बिना सवालों का जवाब दिए वो वहाँ से चले गए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर गुरुवार को पेश होने वाले राज्य बजट को अस्पताल से ही अंतिम रूप दे रहे हैं। विधानसभा स्पीकर प्रमोद सावंत ने गुरुवार को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय भी पर्रिकर ही संभाल रहे हैं। पर्रिकर बीते दिनों अग्नाशय में सूजन के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। सूत्रों के मुताबिक गोवा के सीएम बजट भाषण को भी लगभग पूरा कर चुके हैं और सिर्फ शुरुआती संबोधन तैयार करना बाकी है। सूत्रों ने बताया कि वो बजट को अंतिम रूप देने के लिए सभी सरकारी अधिकारियों के संपर्क में हैं। पर्रिकर की अनुपस्थिति में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री रामकृष्ण सुदीन दवालकर गुरुवार को बजट पेश करेंगे, जिन्हें पर्रिकर की अनुपस्थिति में विधानसभा का नेता भी नियुक्त किया गया है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन वहाँ सियासी पारा काफी गर्म है। सुपरस्टार रजनीकांत के पार्टी बनाने के बाद राज्य के एक अन्य स्टार कमल हासन बुधवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। इसे लेकर देश भर में हलचल है। हसन की पार्टी की लॉन्चिंग के अवसर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद होंगे। गौरतलब है कि केजरीवाल और हसन के बीच पिछले साल मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद हसन ने केजरीवाल को करप्शन के खिलाफ योद्धा के तौर पर पेश किया था। हसन मदुरई में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। पार्टी की लॉन्चिंग से पहले वो रजनीकांत, विजयकांत और करुणानिधि से मिल चुके हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच ट्रेवर वेलिस की बात से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल वेलिस ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे शीर्ष खिलाड़ियों और कोचों पर दबाव कम होगा। वेलिस ने खेल प्रबंधकों को सलाह दी है कि वो T20 को खत्म कर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर दबाव को कम कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के कोच माइक हैसन वेलिस की बात से सहमत नहीं है। उन्होंने सोमवार को कहा कि क्रिकेट को बढ़ावा देने में T20 की काफी अहमियत है। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कार्य प्रणाली समझने के लिए इसके कुछ अधिकारियों से मुलाकात की है। गौरतलब है कि बच्चन ने इस माह की शुरुआत में ट्विटर में फॉलोअर्स की घटती संख्या के बाद इस सोशल मीडिया साइट को छोड़ने की चेतावनी दी थी। बिग बी ने रविवार को ट्वीट कर कहा, समुद्र के उस पार से ट्विटर की टीम ने आकर मुझसे मुलाकात की और बताया कि ट्विटर कैसे काम करता है, धन्यवाद। फिलहाल अमिताभ के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 3.31 करोड़ है। अमिताभ आने वाले समय में 102 नॉट आउट और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में दिखने वाले हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।